अभी मेरा दिल इतना ज्यादा उदास है जो मैंने डाली थी। और एडजस्ट करता हूँ किसी जगह पे काम पे। उसे बुलाओ जरा कि आप बाहर जाओ। एक जो मैंने दिया हुआ है अंडे, लेकिन इनकी सेटिंग बनी हुई थी। तो ले आइए, ये छोले नहीं, छोले इसके अंदर अंडे बचे। ये डर बाद आके देख। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे भाई। आज फिर मैं रात को आया हूँ, क्योंकि मैं अभी देखे सुबह मैंने पहले देखा था तो एक बच्चा जो है ना इसका मरा हुआ था। मैंने कहा देखूँ बाकियों की क्या सूरत हाल है। अभी मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास है कि मुझसे बात भी नहीं। मैंने कहा फिर भी भाइयों को बता दूँ, क्योंकि मेरे से जो मिस्टेक हुई है, जो मुझे लगता है उस वजह से हुआ है, बाकी आपसे ये मिस्टेक ना हो। बाकी वेलकम हो गया आप सबका देहात के रंग बर्ड्स में। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मिस्टेक मुझसे हुई थी। ये देखें मट्टी मैंने डाली थी। ठहरे मैं एक मिनट इसका दरवाज़ा ओपन करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, सही पता चलेगा फिर। ये मट्टी जो मैंने डाली थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसी मट्टी है कि सख्त हो गई है ना, बाकी वहाँ पे नरम है। यहाँ पे इधर क्लियर नहीं नज़र आ रही आप लोगों को। बाकी ये देखें इस तरह से बन गई थी ये पत्थर, मतलब ढले बन गए थे ना। तो शायद उस वजह से हुआ है, मुझे लग तो वही वजह रही है। देखें ये बच्चा इसके यहाँ पे मरा हुआ मैंने देखा है, मरा हुआ था। बाकी मैं इनको चेक करता हूँ, बाकी बच्चे इनके क्या सूरत हाल है इनकी ना। इनको मैं भी पकड़ता हूँ, साइड पे करता हूँ, बाकी बच्चों को भी चेक करता हूँ। बाकी ये मट्टी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है इस मट्टी की वजह से ये सीन हुआ है। इसको मैं सारी को यहाँ से फिर उठा लेता हूँ, तो साथ ये मट्टी भी उठाता हूँ। आप लोगों को भी बताता हूँ क्या सीन है, इसको मैं हटा के फिर बताता हूँ। बच्चे भी देखता हूँ बाकी क्या सूरत हाल है उनकी। ये एक तो हो गया, इतना अफसोस हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं इनकी इतनी ज़्यादा केयर करता। सुबह मैंने देखा ठीक थे, कुछ भी नहीं था, कोई बच्चा बाहर नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इनका बच्चा निकला हुआ है कि नहीं, क्योंकि अंदर बैठे हुए थे। इनको मैं तंग नहीं कर रहा था। बाकी पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था उनकी लाइनें बनी हुई थी अंडों में, क्योंकि वो बेबी था अंडों के अंदर। बाकी ये सीन हो गए। फिर चलें थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाकी मैं देखता हूँ बाकी हैं या नहीं है। कैमरे को एडजस्ट करता हूँ किसी जगह पे, कहाँ पे एडजस्ट करूँ मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। पता नहीं आप लोगों को नज़र आएगा कि नहीं आएगा। भाई कोई बोलता हूँ कहीं से कैमरे का निज़ाम करे। सुफियान भाई आप ये कैमरे को किसी तरह पकड़ें, क्योंकि मैं दोनों हाथों से फिर बाकी काम करने लगा हूँ। मैं इस मोबाइल की लाइट के अंदर लगा के रख देता हूँ। ओह शिट यार, ये तो मेरे हाथ से भी निकल गए। बाकी अंडे ख़राब ना हो जाएं कहीं पे। बाकी अंडे तो मुझे नज़र भी नहीं आए, कुछ भी नहीं कहता यार। आराम से आराम से आराम से नहीं हूँ, छोड़ दूँगा उनको, कुछ भी नहीं होता है। ये को पकड़े अपना जिशान भाई को अंदर से बुलाओ ज़रा कि आप बाहर जाओ। ये मैं बाकी जो डले बने हुए थे साथ साथ उनको हटा रहा हूँ, इसको इधर ही फेंक रहा हूँ। सुबह मुर्गियाँ अपना ये इधर से खा जाएंगी ना। बाकी जो पीछे रह गई है बताओ, बाकी लाइट ये सारी पीछे। दूसरा मोबाइल किधर रखा है मैंने, उसकी लाइट लगा लूँ मैं ज़रा। ये देखें बाकी जो पीछे रह गई है ना, वो सारी नरम मटी रह गई है। ये देखें एक जो उन्होंने बच्चा निकाला था, उसको पता नहीं क्या हुआ है, क्या सीन हुआ है उसके साथ, उसका तो मुझे नहीं पता चला है। बाकी अल्लाह करे भाई, दुआ करें साथ में मेरे पास ये ब्रीड चल जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़ी इनकी केयर की है। फिर जब केयर करें फिर दुख होता है, बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर वही होता है। लेकिन ये वाला सीन मेरे साथ फिर हो गए। बाकी मैं बहुत हटू हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो किया। चलें खैर, रब की रज़ा में हम भी राज़ी, इंशाल्लाह हो जाएगा सीन। बाकी मैंने अभी वो बता के हैं इनको, यहाँ से उधर शिफ्ट किया है, फिर दोबारा मैं अभी इधर ले के आऊँगा ये सारी वो मटी मैंने उठा ली है। बाकी ये हॉल, वो बचा किधर गया ये हॉल,
वो बच्चा जिसकी डेथ होगी यार, ये देखें हेल्दी था बट बहरहाल ये सीन हो गया इसके साथ। चलें अल्लाह पाक को ये मंजूर था। बाकी तो नहीं अंदर, इसके अंदर तो नहीं खाते हैं यार, पता नहीं क्या बात है इसके अंदर नहीं खाते हैं। इधर इनके आकर टुकड़े कितने डाले हुए हैं रोटी के। बाकी मैं इनकी फीड वगैरह भी ले आया था, वो भी डालता हूँ। और मुझे दें ज़रा सुफियान भाई ये के हुए अच्छे हुए, इनकी गाल में क्लियर कर लूँगा फिर। ये देखें ये तो उन्होंने दिए हुए हैं अंडे। यार ऐसा करो वो ब्राली पड़ी हुई थी वो ले आओ। ये इसके अंदर तो अंडे भी बने हुए हैं, ऐसा ना कर दें ये अंडे भी रख दें मुर्गियों के आगे। नहीं सॉरी तीतरी के नीचे रख देते हैं, बड़े बड़े उसे इतने तो अंडे हैं ये। चलें ठीक है, ये वाला इसे निकालते हैं। बाकी ऐसी उधर पड़ी हुई थी नहीं मैं लेके आया था उस खाने में, उधर से उठा के ले आओ। सेटिंग वगैरह मैंने कर ली है, ये पानी भी चेंज कर दिया इनका। बाकी ये भी हो गए, ये मैंने थोड़ी सी डाली, मैंने कहा ज़्यादा नहीं डालता हूँ क्योंकि पहले की इनकी सेटिंग बनी हुई थी, तो ये नो के ख़राब हो जाए काम सारा। बाकी ये देखें मट्टी भी सेट हो गई है इनके आगे। मैं इनकी फीड वगैरह भी डाल देता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ, यहाँ से खाते नहीं है। देखें सारे इन्होंने नीचे फेंके हुए खुद बहुत। चलो मैं डाल देता हूँ, बाकी क्या होता है देख लेंगे। थोड़ा सा मैंने बाजरा डाला है पहले, ये देखें बाजरा, उसके बाद ये कंगड़ी आज मैं इनके आगे में फीड डाल रहा हूँ। कंगड़ी भी हो गई और उसके बाद जो इनकी अपनी फीड है वो डाल देता हूँ। ये भी ख़त्म होने वाली है, ये भी सुबह देख के आनी है, ये इनकी अपनी है डॉक्टर लेगा। जोर जोर ये भी मैंने डाल दिए, ज्यादा ही हो गए कुछ, ये सारा मुझे फेंक देगा ये। इसको मैं फिर मिक्स कर देता हूँ क्योंकि मैं नया तजुर्बा करने लगा हूँ ये इनके आगे। बाकी सुबह के पालक डाल दूंगा इनके आगे मैं थोड़ी सी, ये मिक्स तो हो गई है, ये इनके आगे मैं डालता हूँ। भाई मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें ये ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि ये मैंने इनके आगे मिक्स डाली है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतना डाल देता हूँ कि रोज़ाना मैं इनको तंग ना करूँ ना, फिर खाते तो नहीं इतने नीचे गिरा देते हैं, फिर आराम आराम से खाते रहते हैं। बाजरा और कंगड़ी मैंने इसलिए डाली है कि क्या पता है इनके बच्चे भी हैं तो ये ना हो ना। बाकी ये देखें ये वाली दाल मैं सुबह लग से ले कर आ जाऊँगा, दाल मूँग ये इनके आगे मिक्स में पड़ी होती हैं दालें, तीन चार किस्म की दाल मूँग है, ये भी ले आऊँगा मैं लादा से। तो ये छोले इसके अंदर हैं, बाकी ये दाल मूँग में लादा से ले आऊँगा इनके लिए ना। तो ये सारा काम हो गया, अभी ये करना है कि वहाँ से बर्ड्स को इसके अंदर दोबारा से शिफ्ट करना है, फिर इसको मैं लाग लगा देता हूँ। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आप लोगों को फिर दोबारा मिलते हैं। जिस भाई को इनके बच्चे चाहिए हुए वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं उसको। इंशाल्लाह ये भी पहुँचा दूँगा मैं। रात को मैं इस टाइम वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि रात को भागते नहीं हैं, तंग नहीं होते हैं, डर की वजह से बाहर नहीं जाते हैं ना, तो इसलिए जो है रात का टाइम मैंने रखा हुआ है। आ नहीं है अभी, जाना नहीं है। बाकी इनको मैं ले आया हूँ ट्रंग, इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए दोबारा से। वो उनके अंडे बचे, ये डर रहे हैं मुझे लग रहा है कि सोच रहे होंगे कि इनको मैंने इनके अंडे चेंज कर दिए। वो जाओ यार कुछ भी नहीं चेंज किया, जाओ अपनी जगह पे बैठो। और ये क्या सीन इसने लगा लिए, रोशनी लग रही है। ये देखें ये तो कुछ और ही सीन इसने लगा लिया, अंदर जा ही नहीं रहे, चले गए हैं जी वहाँ पे। देखें ये सीन लगा हुआ है, बस खैर खुद ही जाएंगे, सुबह देखूंगा फिर इनको, ये थोड़ी देर बाद आके देखता हूँ। अल्लाह हाफिज़।